नमस्कार। आज आपको यहाँ दो बोतलें दिखाई दे रही होंगी। इन दोनों बोतलों में मैंने पानी भर रखा है जिसमें थोड़ा नीला रंग मिलाया हुआ है। ये बोतलें बिल्कुल एक जैसी सी हैं, पर इनका जो ढक्कन है, ये देखिए, ये वाली जो बोतल है उसका ढक्कन इस तरह से है। इसमें मैंने एक स्ट्रॉ घुसा रखी है जो आपको दिख रही है कि काफी लंबी है। और ये वाली बोतल में, ये देखिए, ये बोतल में भी मैंने ये स्ट्रॉ डाल रखी है, पर ये स्ट्रॉ छोटी है। ये देखिए, यहाँ पर ये छोटी सी है और ये इस ढक्कन के थ्रू जा रही है। अब मैं ये दोनों बोतलों को मैंने बंद कर दिया है। असल में ये दोनों बोतलों में छेद है नीचे, पर पानी नहीं गिर रहा है क्योंकि मैंने दोनों छेद सेलोटेप से अभी बंद कर रखे हैं। तो अब अगर मैं ये बॉटल को मैं अगर उल्टाती भी हूँ तो देखिए, इसमें से पानी आपको गिरता हुआ नहीं दिख रहा होगा। अब अगर मैं ये वाली बोतल को उल्टाती हूँ तो भी देखिए, पानी इसमें से नहीं गिर रहा है। अब मैं ये दोनों बोतलों को उल्टाऊंगी और इनके दोनों छेद भी नीचे से खोल दूंगी और फिर हम देखेंगे कि किसका पानी पहले निकल जाता है, यानी कि कौन सी बॉटल पहले खाली हो जाती है, ये हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ये बॉटल है, ये छेद में जहाँ सेलो टेप लगा हुआ है वो मैं निकाल रही हूँ और मैं इसके ऊपर ये उंगली रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये उंगली रखी और इसी तरह से मैं इसको भी करूँगी कि मैं ये जो बॉटल है इस पे सेलो टेप निकाल रही हूँ। अब अगर मैं इसे पलटाऊँगी और अपनी जो अंगूठे से मैंने छेद को बंद कर रखा है उसे खोल दूंगी तो ये बोतलों का पानी ये बाल्टी में गिरेगा और आप देखिएगा कि कौन सी बोतल पहले खाली होती है। तो मैं इसे उल्टा कर रही हूँ और मैं इसे खोल रही हूँ तो आप देखिए कि कौन सी बोतल पहले खाली होती है। तो ये देखिए आप, तो ये जो रेस है इसमें कौन सी बोतल हमारी पहले खाली होती है। तो ये देखिए, जिसमें लंबी स्ट्रॉ थी वो बोतल पहले खाली हो गई और जिसमें छोटी स्ट्रॉ थी वो बोतल बाद में खाली हो रही है और अभी भी उसमें थोड़ा सा पानी बच भी गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? एक तो ये स्ट्रॉ लंबी है और फिर भी इसका जो पानी है पहले निकल गया बॉटल का। इसके बारे में सोचिएगा। धन्यवाद।